पूरे कराची में नहीं है, ऑल टू पाकिस्तान में, मतलब कि लाइट के हवाले से बहुत परेशान भी है लोग भी। काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हमारा जो काम होता है मशीन वगैरह का वो सब बंद हो जाती है। कारोबार तो वैसे ख़राब हुआ हुआ है, अभी इतनी महंगाई का टाइम है और आज पूरा दिन लाइट नहीं, आज का भी दिन खराब है। परेशानी हो रही है, नेबुलाइज मशीन है, फिजियोथेरेपी कराने के लिए हमें बड़ी मशीनें चलानी पड़ती हैं। लाइट ही गई भी है, सबसे बड़ी बात है किसी को हाइपर टेंशन है और दूसरा आ रहा है हार्ट की प्रॉब्लम लेके, आज बच्चों की वैक्सीन करानी है, अब आप हैंडीकैप है बिल्कुल। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, बिजली तो बहुत हमें परेशान कर रही है ना, रात में होती, रात में मगर के बाद चले जाती है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो पढ़ाई का भी डिस्टर्ब होता है। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है कि ये छोटा सा फॉल्ट है, इनके छोटे से फॉल्ट की वजह से काफ़ी आवाम जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। बिजली की वजह से बहुत मुश्किल आ रही है और अब ऊपर से ऑरेंज लाइन भी बंद हो गई है, किराए वगैरह का भी थोड़ी बचत हो जाती है इस वजह से। ऑरेंज लाइन की एक सहूलत तो थी, एक जारी सी बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सहूलत थी, अब हम रिक्शे पे आए हैं तो जहाँ पे हमारी 40 रखने थे वहाँ पे डेफिनेटली 400 रुपया लगा और ये इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से ही लगा।